दुनिया आधुनिकता की तरफ लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है और आधुनिक होने के साथ साथ हम अपनी पृथ्वी को कहीं ना कहीं भूलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जंगल कम होते जा रहे हैं और इंसानी आबादी ज्यादा होती जा रही है, जिससे हमारे पर्यावरण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसी वजह से हम पूरी दुनिया में 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ये दिन लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन सोशल मीडिया पर पर्यावरण से जुड़े फैक्ट शेयर किए जाते हैं ताकि लोग इसके बारे में सजग रहें। आज हम भी पर्यावरण दिवस के बारे में बात करेंगे। इस दिन को 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है या इसके फायदा क्या होता है, क्यों मनाया जाता है ये दिन। अगर आप भारत के किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ रह रहे लोग हर साल बढ़ते तापमान और प्रदूषण के बीच किस तरह जी रहे हैं। आज तेजी से बढ़ता तापमान और प्रदूषण इंसानों के साथ साथ पृथ्वी पर रह रहे सभी जीवों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यही वजह है कि कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। ये सब सिर्फ पर्यावरण में बदलाव और उसको पहुंचते नुकसान की वजह से है। हम खुद अपने पर्यावरण का ख्याल नहीं रख रहे, यही वजह है कि धीरे धीरे हमारी जिंदगी मुश्किल होती जा रही है और इसलिए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी है। कब हुई विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत? सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई। यहां दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 119 देश शामिल हुए। पहले पर्यावरण दिवस पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की प्रकृति और भारत के प्रति चिंताओं को जाहिर किया था। यह है इस साल की थीम। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है और इस साल की थीम है परिस्थितिक तंत्र की बहाली यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। परिस्थितिक तंत्र की बहाली कई तरह से की जा सकती है, जैसे शहर गांव को हरा भरा करना, पेड़ लगाना, जगह जगह बगीचों को बनाना, नदियों और समुद्र की सफाई करना आदि। पर्यावरण से ही हम हैं, हर किसी को पर्यावरण के लिए काम जरूर करना चाहिए।